जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं डेनफोर्थ एवेन्यू पर खड़ा हूं, जो हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट की वॉक है। और ये जो छोटी सी सड़क है, ये हमारे घर की तरफ जाती है, और सामने वो जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जिनमें आगे रेड जो है पोर्शन है कलर किया हुआ, वो हमारी बिल्डिंग्स हैं जिनमें हम रहते हैं। और डेनफोर्थ एवेन्यू जो है, ये बहुत बड़ा रोड है और काफ़ी टोरंटो के काफ़ी हिस्से को कवर करता है। इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है। ये इस तरफ का देख लें आप, ये ईस्ट को जा रहा है रास्ता जो है, और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। और ये सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, बड़ा बिजी होता है। सामने मेट्रो है, वो 24 आवर्स खुला रहता है। इस तरफ जो है TD बैंक है, और तो सामने सबवे है। ये एवेन्यू जो हमारे घर की तरफ जाता है, उसका नाम है थायरिया, THYRA थायरिया है। और मैं अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ वापस। यहाँ आया था, बैंक में कुछ काम था, मैंने कहा इसी बहाने कुछ वॉक भी हो जाएगी, तो वॉक भी काफ़ी कर ली। तकरीबन 35-40 मिनट हो गए हैं घर से निकले हुए। तो अब ये घर जो है, ये काफ़ी पुराने घर हैं। इस रोड के दोनों तरफ जो घर हैं, उसमें से कुछ घर जो हैं वो तो 100 साल पुराने हैं तकरीबन। फिर कुछ लोगों ने उनको दोबारा रेनोवेट करवा लिया, जैसे ये घर है सामने आप देखें, रेनोवेशन उनकी हो गई है। ये पार्किंग है, हर थोड़ी जगह देर के बाद कहीं ना कहीं पार्किंग होती है। ये रोड का दूसरा हिस्सा है, उस तरफ भी घर हैं, दोनों तरफ घर हैं। और यहाँ पर जो है स्पीड लिमिट है, गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ एक तरफ खड़ी हो सकती हैं, और वो चेंज होता रहता है। कभी राइट साइड पर खड़ी होती हैं, कभी लेफ्ट साइड पर, ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि हमेशा एक ही तरफ खड़ी रहती हैं। तो ये घर देखें, यहाँ के कितने छोटे और बड़े खूबसूरत घर हैं। इनकी छोटी सी लान है, पीछे भी लान होगी, और ख़ुद भी लोगों को शौक़ होता है इसको मेंटेन करने का। अब ये लान इतनी छोटी इसलिए हैं कि तकरीबन 100 साल, कोई 125 साल, कोई 150 साल पुराने घर हैं। आजकल तो जो घर हैं उनकी लॉन्स वगैरह बहुत बड़ी हैं, और बड़े 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 घर हैं। कॉन्डोज जो हैं वो छोटे होते हैं, दो बेडरूम के भी होते हैं, तीन के भी होते हैं, और कुछ लग्जरी कॉन्डोज जो हैं वो चार बेडरूम्स के भी होते हैं। और पहला भी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्डोज जो हैं वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और अगर वो सबसे टॉप फ्लोर पर बने हुए हैं और सारे गिलास के बने हुए हैं, तो उसको पेंट हाउस कहते हैं, आपको पता ही होगा। वो कॉन्डोज बहुत महंगे होते हैं। ये सामने देखें बिल्डिंग है, इसमें रेजिडेंशियल है, लोग सब रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें लोग किराए पर रहते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों की अपनी होती हैं। तो ये देखें छोटे छोटे कितने खूबसूरत घर हैं, और गाड़ियों की भी बड़ी इसमें रूल्स होते हैं पार्किंग के, कि जो घरों के मालकान हैं वो तो अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि एक फ़िक्स होता है कि किस डेट से किस महीने में जो है राइट साइड पर, और किस महीने में लेफ्ट साइड पर। अब वो यहाँ खड़ा इसलिए होने देते हैं क्योंकि जब ये घर बने थे तो उस वक्त जो है, मेरा ख्याल है गाड़ियों का इतना नहीं होगा ज़माना, 100-150 साल पहले या 100 साल पहले, तो उन्होंने सोचा होगा थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी हो जाएंगी। और पहला भी जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वजह मैंने आपको जो बताई थी वो बार बार बताता हूँ। अब मुझे तो बताते हुए भी पता नहीं क्या फील होता है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे लाइव बातचीत करना चाहता हूँ YouTube पे, जैसे Facebook पे भी आदमी करते हैं ना। और उसमें मेरा शौक सिर्फ ये है कि लाइव बातचीत में ये होगा कि मुझे ऐसे फील होगा कि जैसे मैं आपसे
براہ راست بات کر رہا ہوں جیسے کلاس میں کرتا تھا، اور آپ کے کمنٹس بھی لائیو اگر آ رہے ہوں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی جو ہے وہ لائیو دے سکوں گا۔ آپ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 1000 سبسکرائبر ہونے چاہیے، تو ابھی تھوڑا پچھلے دنوں جو ہے میں نے ذرا سا غصے کا اظہار کیا تھا، تو لوگوں نے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً 40-45 سبسکرائبر جو ہے وہ ایک دم ہو گئے 2-3 دن میں 4 دنوں میں۔ تو دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو مل کر جو ہے 1000 کرتے ہیں، اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے نہیں کہوں گا۔ دا مومنٹ اٹ از 1000 پھر میں آپ سے نہیں کہوں گا، پھر کسی کی مرضی ہے کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ میری باتیں سنیں یا ویڈیوز سنیں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے بھائی، اور اچھی نہیں لگتی تو بھائی زبردستی تو کوئی نہیں سنا سکتا، اور سبسکرائب بھی کوئی زبردستی تو نہیں کروا سکتا، تو آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ گھر دیجیے کہ دیکھیں رینوویٹ ہوئے ہیں، آگے میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں، وہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے رینوویٹ ہوا ہے، اور سارا گھر پورا گھر گرا کے یہ جو سامنے ہیں، اب اس کو کون سا کلر کہیں گے، آف وائٹ کہیں گے، سم تھنگ لائک دیٹ، یہ سارا گھر نیا بنا ہے۔ آگے جو ہے لیفٹ سائڈ پر ڈینٹونیا پارک آ رہا ہے جو کہ ہمارے گھر کے بہت قریب ہے، وہ سامنے دیکھیں وہ بلڈنگس ہیں لیفٹ سائڈ پر جو ہے ایکسٹریم لیفٹ جو ہے وہ بلڈنگ وہ میسی ون ہے، اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ، ایکسٹریم لیفٹ کے بعد نمبر ٹو پہ وہ میسی فائیو ہے، اور اس میسی فائیو کے پیچھے جو ہے وہ میسی تھری ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور یہ باقی بلڈنگس جو رائٹ سائڈ پر ہیں، اب یہ میسی اسکوائرس تو نہیں ہیں لیکن یہ کرسنٹ پیلس ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ کرائے کے گھر ہیں، اور وہ جو میسی اسکوائرس ہیں وہ لوگوں کے اپنے گھر ہیں، تو یہ فرق ہے۔ یہ دیکھیں ہر تھوڑے دیر کے بعد ایک گلی ہوتی ہے، یہ سامنے جو ہے وہ ڈینٹونیا پارک ہے، یہ ہمارے گھر سے تقریباً 5-7 منٹ کی واک ہے، اور اس میں چھٹیوں والے دن بڑی رش ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ اپنا ایوننگس میں بچے آتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایس او پیز جو ہے بڑا سختی سے فالو کرواتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نیا گھر جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بنا ہے، اس وقت جو ہے کونڈوز کی پرائس ابھی بتا رہے تھے کل ٹی وی پہ کہ ٹورنٹو میں جو ہے وہ COVID-19 ہونے کے باوجود بھی پچھلے 4-5-6 مہینے میں 52% بڑھ گئی ہے پرائسز جو ہے یہاں پر گھروں کی ٹورنٹو کے اندر، لیکن ٹورنٹو سے باہر جو ہے جو اس سے باہر تھوڑے ہیں مطلب 50 کلومیٹر دور یا 100 کلومیٹر دور، تو وہاں گھروں کی پرائس جو ہے کافی ریزنیبل ہے، اور کافی لوگ جو ہے وہ شوق میں جو ہے زمین کا گھر لینے کے لیے اپنا ٹورنٹو میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر یا یہاں اچھی پرائس ہے اس کو بیچ کر جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں باہر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں بچے ہیں اور یہ شوق میں جو ہے کھڑے ہیں، نیچے ٹرینز جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں تو بچے اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، میرا پوتا بھی اکثر جو ہے فرمائش کرتا ہے کہ مجھے لے چلو، وہ پھر ٹرین آ رہی ہے اور جا رہی ہے اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، پھر ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی اس ٹرین میں لے چلو، تو ٹرین میں بڑا خوش ہوتا ہے، جا کر ہیپی ہوتا ہے بڑا۔ یہ ڈینٹونیا پارک ہے، اس وقت تو خالی ہے سارا، ایک بچہ ہے سامنے اپنے ڈاگ کے ساتھ جو ہے وہ پلے کر رہا ہے، اور بھی کہیں کہیں کونوں میں کہیں لوگ کوئی بیٹھے ہوں گے، لیکن شام کو جو ہے بچے تقریباً 4 بجے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کافی بڑا ہے چاروں طرف جو ہے وہ، ایک اور بندہ آ گیا اپنے ڈاگ کے ساتھ، اور یہاں پر ڈاگ جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دیکھیں لان کے اندر جو ہے اس کو اپنے ساتھ گھما رہا ہے، ہمارے یہاں پر ہوں تو کہیں گے بھائی ڈاگ جو ہے اس کو لان کے اندر آپ کیسے گھما سکتے ہیں، لان پر ہم نے بڑا خرچہ کیا ہے تو یہ، اور آپ بھی اس کے اندر کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بڑی ڈفرینٹ چیز دیکھی کہ یہاں پر انسانوں کے لان کے اندر جانے پر نہیں، وہ ذہن میں اس طرح آیا کہ پٹاروں میں ہم کیڈٹس کو اور سب کو بڑا سختی سے منع کرتے تھے کہ اگر کسی نے گراسی فیلڈ کراس کیا تو
उसको एक्स्ट्रा ड्रिल्स मिलेंगे, और बड़ी सख्ती करते थे। मुझे भी जो है कोई कैडेट नज़र आए तो मैं भी उसको समझाता था प्यार मोहब्बत। ये देखें हर जगह पर ये लिखा हुआ है कि 6 फीट या 2 मीटर्स अपार्ट, डू योर पार्ट, स्टे अपार्ट, कीप ए डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या फिर 2 मीटर। अब ये दोनों फासले बराबर तो नहीं है, आपको पता है ज़रा सा फ़र्क है फ्राम अदर्स। अब ये टोरंटो के साथ लेफ्ट साइड पर जो है वो टोरंटो का सिटी हॉल जो है उसका हल्का सा खाका बना हुआ है। ये सारा है, वो देखें उस बंदे को। मैं भी अक्सर यहाँ पर आता हूँ, हर जगह पर आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे। नेचर जो है बड़ी मेहरबान है, यहाँ पर बड़ा मेहरबान है। कोई आदमी दरख्त को काट नहीं सकता, बहुत सख्त क्राइम है और बड़ी सख्त सज़ा देते हैं। और आपके घर के अंदर भी दरख्त है तो आप उसको भी नहीं काट सकते। अगर वो ट्री है तो आप उसको परमिशन के बगैर नहीं काट सकते, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई इससे मेरी बिल्डिंग जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है और मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो आपको इजाज़त दे देंगे। ख़ास हालात में इसकी इंस्पेक्शन होगी। और फिर ये शायद पहले भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखें यहाँ पूरी सिटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये बाइक शेयरिंग सिस्टम किया हुआ है। और वेनसडे के दिन ये बाइक जो है वो फ्री होती हैं, आप ले जाएं, पूरा दिन आप रखें वेनसडे का, आपको कोई चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। लोगों को बड़ा शौक है। ये देखें बाइसिकल्स हैं, वो सामने जो है ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है ताकि आपको यहाँ बिजली के कनेक्शन की का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी सामने जो है ये जो मैंने आपको बताया था क्रिसेंट पैलेस है, क्रिसेंट पैलेस वो है। और इसकी हिस्टोरी तकरीबन हमारे इस एरिया में जो बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 38 तक हैं। सामने जो है वो 4-5 मंजिला है, तो ये क्रिसेंट 7 है। और ये देखें आप, वो सामने जो है रास्ता जा रहा है ट्रेन को, ये देखें फ्री राइड लिखा हुआ है वेनसडे को, वेनसडेज आर फ्री, टेंटोनिया पार्क। तो मेरा ख्याल है आज काफ़ी हो गया, दोबारा भी आपसे बात होगी। अब देखें ये बंदा जो है ट्रेन स्टेशन जा रहा है, वो सामने नीचे टनल बना हुआ है ऊपर से, और ये एक ब्रिज बना हुआ है ताकि आप स्टेशन की तरफ जा सके। उसकी वजह ये है कि रोड नीचे है और स्टेशन ऊपर है तो लोगों को तकलीफ़ हो, तो इसलिए लोगों की सहूलत के लिए गाड़ियाँ नीचे से चलती रहती हैं, लोग ब्रिज के ऊपर से आते जाते हैं। तो ये सिर्फ क्रिसेंट टाउन और मेसी स्क्वायर और इस तरफ के जो लोग हैं जाने वाले उनके लिए है ये सहूलत दी है। अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो दोबारा भी आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।